आदित्य चोपड़ा के पास कितनी दौलत है, मारूफ फिल्म साज के जराए आमदन क्या है, तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। आदित्य चोपड़ा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्मसाज कंपनियों में से एक यशराज फिल्म्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आदित्य का शुमार सनत के अमीर तरीन फिल्मसाजों में होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के मायनाज फिल्मसाज आजहानी यश चोपड़ा के बड़े बेटे आदित्य चोपड़ा के पास कितनी दौलत है। लेकिन इससे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आदित्य चोपड़ा कौन है और उनके जरा आमदन क्या है। आदित्य चोपड़ा लेजेंडरी फिल्मसाज यश चोपड़ा के बड़े बेटे हैं, जिन्होंने यशराज फिल्म्स की बुनियाद रखी थी। 12 मई 1971 को पैदा होने वाले आदित्य ने अपने करियर का आगाज बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर किया था। अपने वालिद की कई मशहूर फिल्मों में काम किया और जब उन्होंने खुद हिदायतकारी में कदम रखा तो अपनी पहली ही फिल्म से बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था, क्योंकि उनकी हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म रोमानवी क्लासिक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बॉलीवुड की तारीख की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है। 1995 में रिलीज होने वाली इस फिल्म की गैर मामूली कामयाबी ने आदित्य को कामयाब हिदायतकारों की सफ में लाकर खड़ा कर दिया था। हिदायतकार के अलावा आदित्य चोपड़ा एक काबिल प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और तकसीमकार भी हैं। उनकी शानदार कारोबारी जहानत और तख्लीकी हसासियत ने यशराज फिल्म्स को एक सिनेमा पावर हाउस में तब्दील कर दिया। यशराज फिल्म्स के चेयरमैन की हैसियत से आदित्य चोपड़ा हिंदुस्तान की सबसे कामयाब फिल्म कंपनियों में से एक में बड़ा हिस्सा रखते हैं। 5 तिहाइयों से ज्यादा अरसे कायम की गई ये कंपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की वसी लाइब्रेरी, एक जदीद तरीन स्टूडियो इंफ्रास्ट्रक्चर और एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर फखर करती है। ये सब उसकी खातिरखा कद्र और आमदनी में हिस्सा डालते हैं। एक इंतहाई कामयाब फिल्मसाज आदित्य चोपड़ा ने मुतअद्दिद फिल्में बनाई। वो फिल्मों की हिदायतकारी और प्रोडक्शन से भी काफी पैसा कमाते हैं, जो उनकी आमदनी का एक अहम हिस्सा है। मुल्की और बैनुल अक्वामी दोनों फिल्मों YRF की तकसीम के कारोबार में भी सरगर्म है। ये म्यूजिक बॉलीवुड के मशहूर साउंड ट्रैक्स के वसी जखीरे के हकूक के मालिक भी है। फिल्मों की तकसीम और मौसीकी के हकूक से भी आदित्य चोपड़ा की दौलत में खातिरखा इजाफा होता है। आदित्य चोपड़ा बिलाशुबा हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की अहम शख्सियात में से एक हैं। उन्होंने अपनी फिल्म साजी की सलाहियतों से अपने खानदान की कंपनी यशराज फिल्म्स को एक ताकतवर एंटरटेनमेंट ग्रुप में तब्दील कर दिया। खूबरू अदाकारा रानी मुखर्जी के शौहर आदित्य चोपड़ा मुंबई के पोश इलाके जुहू में एक आलिशान बंगले में रहते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक वो मुबैना तौर पर मुंबई और दीगर शहरों में मुतअद्दिद जायदादों के मालिक हैं। भारत के अलावा बैरून मुल्क भी उनकी जायदादें हैं। इसके अलावा उनकी लग्जरी गाड़ियों में रेंज रोवर, BMW और दीगर महंगी गाड़ियां शामिल हैं। फिल्मसाज आदित्य चोपड़ा की मजमूई असासों की बात की जाए तो उनकी मालियत का तखमीना 7,200 करोड़ भारतीय रुपए लगाया जाता है।